हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पनीर की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और पनीर खाना सभी को पसंद होता है और अक्सर फेस्टिवल में पनीर बनाते हैं। पर प्रॉब्लम होती है कि लोग प्याज और लहसुन के बिना पनीर जल्दी बना नहीं पाते हैं। तो आज आपके लिए ये पनीर बटर मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। आइए देखते हैं वीडियो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पनीर लिया है, 300 ग्राम पनीर है। इसको बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले हमें इसे करना है मैरिनेट, और मैरिनेट करने के लिए हमने इस पर थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल किया है। और ये डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैरिनेशन हम इसलिए करते हैं कि हम जो भी मसाले मैरिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर तक चले जाएँ, यानी पनीर के जो क्यूब्स होते हैं वो हमें फीके ना लगे, थोड़ा सा नमकीन लगे, इसीलिए हमने इसके ऊपर नमक डाला है। तो इसे हम रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए करीब 10 से 15 मिनट के लिए। तो आइए दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 बड़े टमाटर और इनको हम सिंपल इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो रफली मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में इनको कट कर लिया है, क्योंकि हमें इन्हें फ्राई करने के बाद ब्लेंड करना है, इसलिए शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे साइज में इसको कट कर सकते हैं। तो ये टमाटर हमारे हो चुके हैं कट। आइए हम इनको फ्राई करते हैं। तो पनीर बटर मसाला है तो ऑब्वियसली बटर तो यूज़ हो गई। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें डाल दिया है बटर। बटर जैसे ही मेल्ट होगा तो हम इसमें डालेंगे ये सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, और थोड़ा सा अदरक जो कि मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, और इसके साथ ही ये दो ही साबुत हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है इसलिए मैंने साबुत ही इसमें डाल दी है। थोड़ा सा इसको चला देंगे और इसके बाद हम इसमें ये सारे टमाटोज ऐड कर देंगे, और इसके बाद हमको इसे करना है फ्राई। तो अभी स्टार्टिंग में हम इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। हमको इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि ये सारे टमेटोज मैशी ना हो जाएं और इनकी ऊपरी स्किन जो है वो अलग ना हो जाए। तो हमें इनकी स्किन के सेपरेट होने तक इनको करना है फ्राई। तो इस तरह से चलाते हुए हम इनको फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, आज जो पनीर बटर मसाला बनाने जा रहे हैं वो बनेगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, और यकीनन आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और देखिएगा एकदम ढाबे वाला स्वाद आने वाला है। तो ये 10 से 15 काजू मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, और इसके बाद इसको पीस कर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया था ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाए। आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा कम पका था, मैंने इसे दोबारा ढक दिया है, और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा कुक हो चुका है, इजीली मैश हो जा रहा है। जब हम इसको करछी से प्रेस कर रहे हैं तो अच्छी तरह से सारे टमाटर जो है वो मैश हो जा रहे हैं। तो इसी स्टेज तक हमें इसे फ्राई करना था। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये टमाटोज फ्राई हो चुके हैं, इनको एक मिक्सी के जार में हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इनको करना है ग्राइंड, और ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, तो वेट करेंगे इसके ठंडे होने का। 5 से 10 मिनट इसको अलग रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो आइए करते हैं दूसरी तैयारी। तो उसी पैन में मैंने फिर से थोड़ा सा बटर लिया है, और इस बार मैं ऐड कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो कंप्लीट बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसलिए इसमें रिफाइंड डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बटर बहुत ज़्यादा हो जाता है इस रेसिपी में, कैलोरीज का भी ध्यान रखना है ना, तो इसीलिए मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तो यहाँ पर पनीर के जितने भी क्यूब्स थे वो इसमें मैंने डाल दिए हैं और उनको फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। बीच में हम इसको उलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। और दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राउन स्पॉट आएंगे और हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये पनीर बहुत कड़ा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से बटर को छानते हुए हम ये सारे पनीर के पीसेस निकाल लेंगे। तो देखिए,
हमें इतना ही फ्राई करना था कि पनीर की सॉफ्टनेस भी बनी रहे और ऊपरी स्किन थोड़ी सी फ्राई हो जाए। तो ये देखिए हमारा पनीर फ्राई हो चुका है। तो दोस्तों पनीर फ्राई हो चुका है, तो फटाफट करते हैं तैयारी। जो हमने टमाटोज को रखा था ग्राइंड करके, वो देखिए ग्राइंड अच्छे से हो गया है और ठंडा भी हो गया था, इसके बाद ही मैंने इसको ग्राइंड किया है। इसके बाद एक छलनी में रखकर इसको हम छान लेंगे और इसको लगातार चलाते हुए छानेंगे। बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट हमें इसका बना लेना है। तो एकदम मखमली पनीर आज बनने वाला है, पनीर बटर मसाला। मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने वॉश कर लिया है। दोस्तों इस रेसिपी में हम पानी का कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे, बस मैंने मिक्सी के जार में जो मसाला था उसको निकालने के लिए ही थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। तो हमारा जो टमाटो था वो सारा हमने छान लिया है और अभी आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट, कितनी मखमली ये ग्रेवी बनी है। तो सोचिए इसका स्वाद कितना अच्छा आने वाला है। तो आइए अब हम बनाते हैं पनीर बटर मसाला। उसी पैन में हम फिर से थोड़ा सा बटर डालेंगे, साथ में रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इनको हमें सिर्फ हीट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं मेल्ट करके पकाना है। अदरवाइज जो बटर है वो स्मोकी हो जाता है और सब्जी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है कश्मीरी रेड चिली, क्योंकि हमें इस सब्ज़ी का बहुत अच्छा सा कलर चाहिए और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसलिए हमने कश्मीरी रेड चिली इसमें यूज़ किया है। और अब हम अपना मखमली वाला पेस्ट डाल देंगे जो हमने पीस के तैयार किया हुआ है, पीस के और छान के। तो इस ग्रेवी को चला देंगे एक बार। तो ग्रेवी थोड़ी थोड़ी सी पकने लगी है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताऊंगी, मैं इसमें जो कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ वो मैं भून के कर रही हूँ। भून के जब हम कसूरी मेथी ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पनीर भी मैंने ऐड कर दिया है। और दोस्तों एक छोटा सा पार्ट वीडियो का मिस हो गया है, मैंने इसमें थोड़े से मसाले और ऐड किए हैं जो मैं आपको लिस्ट दे दूँगी। अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें काजू का पेस्ट, 2 चम्मच मैंने काजू का पेस्ट ऐड किया है। और जार को वॉश करके मैंने 2-4 चम्मच पानी इसमें और ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि मैंने धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर भी इसमें ऐड किया था, लेकिन वो वीडियो का पार्ट मिस हो गया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे डालने के बाद हम इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट ढककर और गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे, सिम कर देंगे। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गया है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितनी अच्छी ये सब्जी बनी है। इसका टेक्सचर देख रहे हैं ना आप, इसमें से ऑयल भी रिलीज हो गया है। तो इसको थोड़ा सा हम चला देंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करने के लिए एक बोल में निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं ना इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी बनी है, लग रहा है ना एकदम ढाबा स्टाइल का पनीर बटर मसाला। और ये लग ही नहीं रहा, जब आप इसे खाएंगे भी तो भी आप देखिएगा कि इसमें कितना मखमली टेस्ट आता है, कितना अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा ये पनीर बटर मसाला जैसी शाही सब्ज़ी, ख़ास तौर से जब आपके यहाँ कोई गेस्ट है, आपकी बहुत तारीफ होगी। फिर मिलते हैं और रेसिपीज़ के साथ।